राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर में शामिल स्वयंसेवकों ने सोमवार की शाम पथ संचालन किया। 750 से अधिक स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया था। संघ का तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर रेशमबाग में आरंभ है। पहली बार एक ही वर्ष में दो बार यह शिविर आयोजित हुआ है। 25 दिनों के इस शिविर में पूरे भारत के स्वयंसेवक संघ पहुंचे हैं। इस स्वयंसेवकों का पद संचलन सोमवार शाम 6:15 पर रेशमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति परिसर से आरंभ हुआ। दो मार्गों का पर पथ संचलन हुआ। पहली टुकड़ी केशव द्वार सोमवारी बाजार टी पॉइंट सक्करधरा चौक तिरंगा चौक गजानन चौक होते हुए रेशमबाग पहुंची। दूसरी टुकड़ी बॉलीवॉल मैदान गजानन चौक नंदनवन मेन रोड गजानन चौक होते हुए वापस पहुंची। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सर्वाधिकारी दक्षिणा मूर्ति ने तिरंगा चौक पर पथ संचलन का अवलोकन किया। तृतीय वर्ष शिविर का समापन 8 दिसंबर को होगा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।